सभी प्यारे साथियों को राधे राधे। आपका स्वागत है प्रद्योत गुरुकुल में। आज हम आपके लिए डायरी विधा की महत्वपूर्ण रचनाएं लेकर आए हैं जो आपकी परीक्षा के लिए बेहद खास होंगी। चलिए तो आज शुरुआत करते हैं डायरी विधा पर। डायरी विधा पर बहुत बहुत अच्छे अच्छे ग्रंथ लिखे गए हैं, लेकिन कुछ डायरी ऐसी हैं जो परीक्षाओं में बहुत पूछी जाती हैं। तो आज हम एक बहुत अच्छा सा और एक छोटा सा संकलन लेकर आए आपके लिए, एकदम नई डायरी जो परीक्षाओं के लिए होंगी बेहद खास। वे सारी डायरी लेकर आए हैं छोटी सी क्लास में, ठीक है। तो सभी साथियों को राधे राधे, सभी को शुभ संध्या, आप सभी को नमस्कार। राधे राधे स्क्रीन पर नहीं आ रहे हैं, अब आ गए राधे राधे, ठीक है। राधे राधे ये देखो, चलो तो अब शुरुआत करते हैं एकदम नवीनतम डायरी, ठीक। नवीनतम डायरी और दूसरी ओर हमने यहां लिख दिए लेखक, ठीक है। एकदम इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट डायरी पर हम चर्चा करेंगे, अच्छी अच्छी डायरियों पर चर्चा करेंगे जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगी, ठीक है। चलो तो शुरुआत करते हैं इस महत्वपूर्ण डायरी से, पहली, ठीक है, पहली महत्वपूर्ण डायरी से शुरुआत करते हैं। अब देखो पहली महत्वपूर्ण डायरी से हम शुरुआत करते हैं, डायरी डायरी सागा सागा, डायरी सागा सागा, ठीक है। एकदम इम्पोर्टेंट डायरी है, एकदम अच्छी डायरी है। बोलो किसने लिखी है ये डायरी सागा सागा, डायरी सागा सागा किसने लिखी है? एकदम बहुत बढ़िया डायरी है, कमेंट करके बताइए और दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए करिए, जिससे कि अच्छी संख्या में लोग जुड़ जाया करें, अच्छा अच्छा कंटेंट मिल जाए और आप भी कमेंट करते रहिए सभी साथी। तो डायरी सागा सागा बहुत महत्वपूर्ण डायरी है और इस डायरी के लेखक हैं तेजिंदर, तेजिंदर, ठीक है। तेजिंदर ने लिखी है डायरी सागा सागा, किसने लिखी है? तेजिंदर ने डायरी सागा सागा। अब देखो दूसरी बहुत महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण डायरियां हैं, दूसरी प्रवासी की कलम से, प्रवासी की कलम से, बताइए प्रवासी की कलम से, ये डायरी है प्रवासी की कलम से, किसने लिखी है? बोलो प्रवासी की कलम से ये डायरी किसने लिखी है? तो ये डायरी बादल सरकार, बादल सरकार ने, ठीक है। और इसकी अनुवादक, अनुवादक प्रतिभा अग्रवाल, अनुवादक कौन है? प्रतिभा अग्रवाल, ठीक है, प्रतिभा अग्रवाल ने इसका अनुवाद किया है। प्रतिभा अग्रवाल के बारे में हमने पहले बताया था, आपको कुछ याद हो तो आप कमेंट करके अवश्य बता दीजिए, अवश्य लिख दीजिए, ठीक है। तीसरी है दिनकर की डायरी, दिनकर की डायरी। अब भाई दिनकर की डायरी तो बहुत अच्छी उच्च कोटि की डायरी है, शानदार डायरी है और ये स्नातक में हमारे पाठ्यक्रम में लगी हुई थी और हमने तब पढ़ी थी और बहुत अच्छे से पढ़ी थी, लेकिन फिर पता नहीं पुस्तकों में कहाँ गुम हो गई है। अभी तक फिर दोबारा अभी ये डायरी हमें पढ़ने को नहीं मिली है। तो दिनकर की डायरी की कुछ बातें याद भी हैं, एक चर्चा, एक जगह दिनकर जी लिखते हैं कि जिस लड़की की शादी जितनी अधिक उम्र में होती है वो लड़की उतना ही अधिक सिंदूर भरती है अपनी मांग में, ऐसा दिनकर की डायरी में एक एक पॉइंट था जो हमें अभी भी याद है।
तो दिनकर की डायरी इसके लेखक कौन है? सीधी सी बात है, दिनकर की डायरी है और दिनकर ने ही लिखी है। रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है। कितनी डायरियां हो गई? तीन। अब देखो चौथी डायरी, एकदम अच्छी अच्छी डायरी है, ठीक है। मेरी जेल डायरी, मेरी जेल डायरी। अब बताओ जेल डायरी किसने लिखी है? मेरी जेल डायरी मतलब जेल में ही डायरी लिखनी, वाह भाई वाह, मेरी जेल डायरी। तो ये है यशपाल की। यशपाल के बारे में पहले भी हम बता चुके हैं आपको। यशपाल ने जेल में ही विवाह कर लिया था और जेल में ही कई पुस्तकें लिखी हैं। तो बहुत अच्छी डायरी, मेरी जेल डायरी, ठीक है। इसके बाद है पांचवी, अगला, ठीक है। जग दर्शन का मेला, जग दर्शन का मेला, ये भी एक डायरी है। जग दर्शन का मेला, ये डायरी किसने लिखी है बताओ? जग दर्शन का मेला, इस डायरी के लेखक कौन है? बोलिए भाई बोलिए। जग दर्शन का मेला, तो शिव रतन थानवी, शिव रतन थानवी, शिव रतन थानवी ने लिखा है जग दर्शन का मेला। शिव रतन थानवी ने लिखी है जग दर्शन का मेला। अगला देखो, अगली छठी, दिल्ली मेरा प्रदेश, दिल्ली मेरा प्रदेश। मेरे हिसाब से जो डायरियाँ ऊपर लिखी हैं उन सभी डायरियों में ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है दिल्ली मेरा प्रदेश, ठीक है। पूरा नहीं आ रहा है, चलो अब देखो दिल्ली मेरा प्रदेश, ठीक है। दिल्ली की डायरी 1960 से 1983 तक, ठीक है। दिल्ली मेरा प्रदेश, अब बताओ ये किसकी है? बहुत महत्वपूर्ण है दिल्ली मेरा प्रदेश डायरी किनकी है? तो ये है रघुवीर सहाय की, रघुवीर सहाय। याद कैसे रखेंगे? प्रदेश में रघुवीर सहाय होते हैं, प्रदेश में रघुवीर सहायता करते हैं, मतलब विदेश में, प्रदेश में कौन सहायता करता है? रघुवीर, ठीक है। अब देखो अगली, सातवां, आलाप और अंतरंग, आलाप और अंतरंग, ये भी अच्छी है। आलाप और अंतरंग, इस डायरी के लेखक कौन है बताओ? आलाप और अंतरंग, ठीक है। तो इसके लेखक हैं गोविंद प्रसाद, कौन है? गोविंद प्रसाद, गोविंद प्रसाद ने लिखी है आलाप और अंतरंग नाम की डायरी, ठीक है। अब देखो आठवीं डायरी किसने लिखी है? महत्वपूर्ण डायरी, बहुत बढ़िया, थलचर, थलचर, ठीक है। इसके बाद कलर बदल सकते हो आप थलचर के बाद, ठीक है। कुछ इंदराज, कुछ टिप्पणियां, कुछ टिप्पणियां, बोलो इस डायरी के लेखक कौन है? हलचल, कुछ इंदराज, कुछ टिप्पणियां, कुमार अंबुज, कौन है? कुमार अंबुज, बहुत चर्चित नाम है, आपने खूब सुना होगा, समकालीन,
साहित्य में। कुमार अंबुज की है डायरी थलचर, ठीक है। कुछ इंद्राज कुछ टिप्पणियाँ, इसके बाद अगला अगला है नौवां, एक किशोरी की डायरी, एक किशोरी, एक किशोरी की डायरी, बोलो एक किशोरी की डायरी, ये लिखी किसने और इसका संपादन किसको अनुवाद किसने किया है? ये लिखी है अने फ्रांके ने, किसने लिखी है? अने फ्रांके, ठीक है, अने फ्रांके। यदि इसके लेखक पूछे जाएंगे तो आप बता देंगे अने फ्रांके, और अनुवादक पूछे जाएंगे, अनुवादक तो प्रभात रंजन, अनुवाद किसने किया है? प्रभात रंजन ने, ठीक है, अनुवाद किसने किया है? प्रभात रंजन ने किया है। अगला देखो, नौ हो गई, अब दसवीं देखो, दस एकदम शानदार संवाद है, सम अ हर रंग में, देखो कितनी बढ़िया डायरी है, समा हर रंग, समा हर रंग में, समा हर रंग में, किनकी है? कृष्ण बलदेव की, कृष्ण बलदेव वैद, ठीक है, कृष्ण हर रंग में, ऐसे कृष्ण हर रंग में, ठीक है। ग्यारहवां, अब्र क्या चीज है, क्या चीज है, ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह, अब्र क्या चीज है, हवा क्या है, हवा क्या है, अब्र क्या चीज है, हवा क्या है, ये किसने लिखी है? तो ये भी लिखी है कृष्ण बलदेव वैद ने, कृष्ण बलदेव वैद ने लिखी है, ठीक है। ये नवीनतम डायरियां हैं, बहुत चर्चित और बहुत महत्वपूर्ण हैं, ठीक है, बहुत चर्चित और बहुत अच्छी डायरियां हैं ये। अगला है मेरी जेल डायरी, चंद्रशेखर ने लिखी है दो भागों में, ठीक। अगला है डोला बीबी का मजार, बीबी का मजार, ठीक है, ये डायरी है डोला बीबी का मजार, ठीक। तेरहवां, रेत पर खेमा, रेत पर खेमा, ये भी क्या है? डायरी है। अगला, ये शहर लगे मोहेबन, ये शहर लगे मोहेबन, ये शहर लगे मोहेबन, ठीक है। अगला, जो आगे हैं, जो आगे हैं, ये भी क्या है? डायरी है, जो आगे हैं। अगला, अतीत का चेहरा, अतीत का चेहरा, ठीक, कितनी होगी? अगला है सत्रहवीं, जिंदा होने का सबूत, जिंदा होने का सबूत, जिंदा होने का सबूत,
ये सभी डायरियाँ जाबिर हुसैन ने लिखी हैं। किसने लिखी हैं? जाबिर हुसैन। ठीक, ये 17 प्रमुख डायरियाँ हो गई, महत्वपूर्ण डायरियाँ हो गई। ठीक है, परीक्षा की दृष्टि से कृष्ण बलदेव वैद्य की दोनों ही डायरियाँ बहुत महत्वपूर्ण हैं। ठीक, ये फ्रांके की है, अनुवाद किसने किया है पूछा जा सकता है, तो ये भी बहुत अच्छी डायरी है। थलचर कुमार अंबुज की है, महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगला है रघुवीर सहाय की, ये हम पहले ही बता चुके हैं आपको, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, रघुवीर सहाय सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जेल डायरी यशपाल की है, चंद्रशेखर ने भी जेल डायरी दो लिखी है भागों में। दिनकर की डायरी, ये भी बहुत अच्छी डायरी है। ठीक, इसके बाद डायरी सागा सागा तेजिंदर, डायरी सागा सागा तेजिंदर की डायरी है। तो ये महत्वपूर्ण डायरियाँ हो गई, और इस क्लास में बस इतना ही। क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत।